नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आप देख रहे हैं जुबानी वार पलटवार। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर जबरदस्त रैलियों और जनसभाओं का माहौल बना हुआ है। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्रयागराज के सोराओं में पहुंचकर जनसभा को संबोधित करने पहुंचे, जहां प्रयागराज के सोराओं में जनसभा को संबोधित कर अमित शाह ने कहा कि ये जाति और धर्म के आधार पर राजनीति करने वाले गरीबों और पिछड़ों का भला नहीं कर सकते। गरीब और पिछड़े समाज का भला मोदी जी के नेतृत्व में केवल NDA कर सकता है। और क्या कुछ कहा है देखिए। चार चरण में सपा बसपा का सुपड़ा साफ हो गया। फिर एक बार 300 पार वाली NDA की सरकार यहां पर बनने वाली है। मित्रों, NDA की सरकार देखो, जब टीका अपने वैज्ञानिकों ने ढूंढ लिया, इजाज कर लिया, मोदी जी इनको बधाई का ट्वीट किए कि आपने भारत की गरीब जनता के लिए सुरक्षा कवच ढूंढा है। मैं सभी वैज्ञानिकों को प्रणाम करता हूं। ये मोदी जी का स्टैंड था, अखिलेश बाबू का स्टैंड क्या था? उन्होंने एक ट्वीट किया कि ये तो मोदी टीका है, मत लगाइए, तकलीफ हो जाएगी। चलो भाई, उनकी समझ है, मगर 10 दिन के बाद अंधेरे में जाकर वो खुद टीका लगाए। अच्छा है आप लोग अखिलेश जी की नहीं सुनते हो, अगर सुन लेते तो आज तीसरी लहर में कोई बचता क्या? बचता क्या? तीसरी लहर क्यों काम नहीं कर पाई? मोदी जी ने 130 करोड़ लोगों को मुफ्त में कोरोना का टीका लगाने का काम किया, इसलिए तीसरी लहर। ये जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर राजनीति करने वाले गरीब समाज का, पिछड़ा समाज का भला नहीं कर सकते। पिछड़ों का भला केवल और केवल मोदी जी के नेतृत्व में NDA कर सकता है। मित्रों, NDA मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता था। NDA की मीटिंग थी, सभी दल के नेता थे। मोदी जी ने सबको पूछा कि भाई बताओ क्या करना है, नीचे क्या चल रहा है। अनुप्रिया जी ने कहा कि जो नीट की एग्जाम होती है, नीट का जो परीक्षा होता है, उसमें पिछड़े समाज का रिजर्वेशन नहीं, आरक्षण नहीं। मैं साक्षी हूं मित्रों, 7 ही दिन में नीट में मोदी जी ने आरक्षण देकर हमारे बच्चों को डॉक्टर बनने का मौका। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 5वें चरण का मतदान 27 फरवरी को कराया जाएगा। 5वें चरण के चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन रहा। आज शाम 6 बजे के बाद चुनाव प्रचार खत्म हो गया, इसलिए आज अलग अलग पार्टियों का जोर अधिक से अधिक चुनाव प्रचार पर रहा। सीएम योगी आदित्यनाथ भी सुल्तानपुर, चित्रकूट और प्रयागराज में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। भाइयों बहनों, अब तक 4 चरणों के चुनाव हुए हैं। 4 चरणों के चुनाव के बारे में कुछ रुझान आपको बताऊं। 4 चरणों के चुनाव परिणाम तो 10 तारीख को आएंगे, लेकिन रुझान अब तक बताते हैं, रुझान इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि विपक्ष के तमाम नेताओं ने अभी से विदेश भागने के लिए अपने टिकट 11 तारीख के बुक करा दिए हैं। ने पहले से बुकिंग कर दी है, और इससे ज्यादा परिवर्तन और क्या हो सकता है? जो लोग पहले राम भक्तों पर गोली चलाते थे और अपनी जेब में तमंचा लेकर के राम भक्तों पर गोली चलाते थे, अब वे भी बजरंग बली की गदा लेकर के घूम रहे हैं। और भाइयों बहनों, आप देखना, इस चुनाव में जब वे बुरी तरह परास्त होंगे तो अगली बार वे अयोध्या में कार सेवा करते हुए दिखाई देंगे। पहले इनके
समाजवादी पार्टी की सरकार में सपा के गुंडे सारा राशन हड़प जाते थे, बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार में बहुजन समाजवादी पार्टी बहनची के हाथी का पेट इतना बड़ा है कि पूरे प्रदेश का राशन ही उसमें समा जाता था। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आखिरकार उत्तर प्रदेश के चुनावी प्रचार के लिए पहुंचे। राहुल गांधी पांचवें चरण के प्रचार के लिए अपनी पुरानी संसदीय सीट अमेठी में प्रचार करने पहुंचे। साथ में उत्तर प्रदेश की प्रभारी और बहन प्रियंका गांधी भी मौजूद थी। अमेठी में चुनाव प्रचार के लिए भाई बहन ने बीजेपी के साथ साथ सपा और बसपा को भी जमकर कोसा। छत्तीसगढ़ जाकर पूछिए कि धान के लिए क्या रेट मिलता है, 2500। हमने ये वायदा किया, बीजेपी के लोगों ने कहा ये किया ही नहीं जा सकता, और 10 दिन के अंदर हमने कर्जा माफ कर दिया और कुछ ही महीनों में हमने 2500 रुपए रेट तय कर दिया। नरेंद्र मोदी जी ने गलत जीएसटी पास की। नरेंद्र मोदी जी ने किसानों में 3 कानून बनाए, और कोरोना के समय नरेंद्र मोदी जी ने जो छोटे बिजनेस वाले होते हैं, छोटे दुकानदार होते हैं, मिडिल साइज बिजनेस वाले होते हैं, उनकी मदद नहीं की। भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान के सबसे बड़े अरबपति इस देश को रोजगार नहीं देते हैं, ये बात आप समझ लीजिए। देश के सबसे बड़े अरबपति देश को रोजगार नहीं देते हैं, छोटे दुकानदार, छोटे बिजनेस वाले, छोटे व्यापारी, मिडिल साइज बिजनेस वाले और किसान देश को रोजगार देते हैं। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव अयोध्या में चुनाव प्रचार करने पहुंचे हुए थे, जहां प्रचार करते हुए अखिलेश यादव ने एक के बाद एक बीजेपी पर हमला बोला। महंगाई से लेकर बेरोजगारी और किसानों की समस्याओं पर भी जनता का ध्यान केंद्रित किया। बाबा मुख्यमंत्री कह रहे थे कि गर्मी निकाल देंगे, याद है गर्मी निकालने की बात कह रहे थे। मुझे तो ये लग रहा है ये विधानसभा गुरसाईगंज के लोग इतनी साइकिल की बटन दबाएंगे कि गर्मी निकालने वालों की भाप निकल जाएगी। ये जो गर्मी निकाल रहे थे उनकी भाप निकालोगे कि नहीं निकालोगे? हम अपने नौजवानों को भरोसा दिला के जा रहे हैं, पिछले 3 साल से भर्ती नहीं निकली है। उत्तर प्रदेश में पांचवें चरण का चुनाव प्रचार थमने से पहले अमेठी के जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करने पहुंची कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने जनता से कई वादे किए। प्रियंका ने हनुमान मंदिर पर पूजा अर्चना कर माथा टेका, फिर मंच पर पहुंचकर उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधा। वो तो जान रहे हैं कि आपको आके बोलेंगे कि आपके धर्म की हम सुरक्षा करेंगे, ये वो बड़ी बड़ी बातें, और आप वोट दे देंगे। और मुझे बताइए धर्म की रक्षा करने वाले, मुझे बताएं ये जो छुट्टे जानवर की समस्या है इनको सुलझाने के लिए कुछ नहीं किया? गौशालाएं बनाई, गौशालाओं में गाय को उठाकर, मैंने देखे वीडियो, 50-50 गाय को उठाकर जेसीबी से धर रहे हैं, उनके ऊपर मिट्टी धर रहे हैं, गाय को जंगली कुत्ते खा रहे हैं, जीवित गाय को उसके घाव खा रहे हैं, चारा नहीं डाला, पानी नहीं डाला, छत नहीं डाला, कौन सा धर्म निभा रहे हैं? तो ये धर्म की बातें जो आपके सामने करते हैं ये सिर्फ और सिर्फ आपका इस्तेमाल है, आपसे इसलिए करते हैं आपसे वोट ले लें, खुद सत्ता में रहे, अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को सारी संस्थाएं बेच डालें, वो कमाए 1000 करोड़ रुपए एक दिन में और किसान कमाए 27 रुपए। ये हालात है आपकी आज, और माफ कीजिए आपको अच्छा नहीं लगेगा, कड़वी बात, कोई दुर्दुनिया में आ गया, किसी ने धर्म की बात कर ली, किसी और ने जाति की बात कर ली, लो जी वोट दिया, बात खत्म। भैया बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ये वोट आपका,
आप आज गलत पार्टी को चुनेंगे दोबारा, 5 साल पछताएंगे। और आपके बच्चों को आप बड़ा इसलिए नहीं करते मेहनत करके, आप मेहनत करते हो दिन रात, क्यों धूप में काम करते हो, रात को क्यों चौकीदारी कर रहे हो अपने खेतों की, छोटे दुकानदार भाई बहन मेरे क्यों दिन रात मेहनत कर रहे हैं, चाहे कोरोना आए, जीएसटी आए, नोटबंदी आए, करे जा रहे, कमाई है नहीं, बिल भरे जा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए, ताकि अपने बच्चों का भविष्य बने। कोई नहीं चाहता कि अपने बच्चे अपनी तरह संघर्ष करें, कोई नहीं चाहता। आज गरीब से गरीब परिवार में चले जाओ, सबसे पहले बोलेंगे कि हमने मेहनत से अपने बच्चों को पढ़ाया है। अब मैं लखनऊ के एक मोहल्ले में गई, वहां मुझे बच्चे मिले सारे बेरोजगार, सारे बेरोजगार, कोई आईटीआई पास, कोई एमए पास, कोई बीएससी पास, सारे अच्छी तरह से क्वालिफाइड, लेकिन बेरोजगार। तो आपने तो इसलिए तो नहीं बड़ा किया ना कि कोई भविष्य ही ना हो, कि बोरा मिलते रहे राशन का और उसी पर आप निर्भर रहे। ये एक साजिश है इन राजनीतिक दलों की, आपको गरीब रखने की, आपका पेट खाली रखने का, ताकि आपके जज्बातों का इस्तेमाल कर पाए। यही है सीधी सी बात। अमीरों की सरकार है, गरीबों की कोई सुनवाई नहीं। आप पे अत्याचार होता है ना, अखिलेश यादव जी निकलते अपने घर से, ना मायावती जी निकलती है, योगी जी और मोदी जी तो छोड़ ही दीजिए, वो तो मंच पे हत्या अपराधियों के पिता को अपने साथ मंच पे खड़ा करते हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी में हो रहे विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए पहली बार राज्यसभा सांसद जया बच्चन को मैदान में उतारा है। जया बच्चन ने कौशाम्बी की सबसे हॉट सीट सिराथू सीट में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की बहन और सपा गठबंधन की प्रत्याशी पल्लवी पटेल के लिए जनसभा करते हुए अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत की। क्या कुछ कहा है मंच से, आप भी देखिए। देखिए, मैं सुन रही हूँ, यहाँ बोला जा रहा है यहाँ से जो मंत्री जी हैं फिलहाल, जातिवाद करते हैं, परिवारवाद करते हैं। अरे, ये भूल जाते हैं कि आपके जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने तो परिवार को त्याग दिया है। वो परिवार के बारे में क्या जानते हैं? वो क्या जानते हैं परिवार क्या होता है? वो क्या जानते हैं बहू बेटी क्या होती है? कहते हैं कि यहां औरतों की, महिलाओं की सुरक्षा नहीं है। झूठ, इन लोग झूठ के सिवाय और कुछ नहीं बोलते हैं। मैं आज 15 साल पार्लियामेंट में रही हूं, अभी भी हूं, और झूठ के सिवा इन्होंने कुछ नहीं कहा। महिलाओं के लिए हमेशा हम लड़े हैं। ये जब सत्ता में हैं और सत्ता में नहीं थे, तब भी इन्होंने महिला सुरक्षा के लिए एक शब्द भी नहीं कहा। आज महिलाओं के लिए ये बातें करते हैं, कहते हैं उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा नहीं है। इन लोग झूठ ढोंगी लोग हैं। मुंबई भाषा में इनको फेंकू चंद कहते हैं, सिर्फ फेंकते रहते हैं, काम कुछ नहीं करते हैं। और पल्लवी जी, मैं आपको बताऊं, जैसे आपने कहा कि देखेंगे, देखते रहेंगे, इनका काम ये है, पिछले 5 साल से सिर्फ देख ही रहे हैं, काम कुछ नहीं किया। अखिलेश यादव जी जो काम करके गए हैं, उसी को देख ही रहे हैं, खुश हो रहे हैं, पीता काट रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव भी पहली बार चुनावी प्रचार के लिए उतरी। जया बच्चन और डिंपल कौशाम्बी के सिराथू में सपा प्रत्याशी पल्लवी पटेल के पक्ष में चुनावी हुंकार भरी। सपा की महिला दिग्गज नेता आधा आबादी को साधने के लिए पूरे यूपी के रण में उतरी है। और वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए डिंपल ने सपा के पक्ष में वोट की मांग भी की। क्या कुछ कहा है, आप भी देखिए। पल्लवी जी ही सराथों को पल्लवित करने का काम करेंगी, और जया जी जन घोष करने आज यहाँ पे आई हैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि सराथों की जनता साइकिल का बटन दबा के इतने वोट देंगी कि मंत्री जी भी शर्मिंदा हो जाएंगे। होंगे कि नहीं होंगे? गुंडागर्दी की बात करते हैं समाजवादियों के लिए ये लोग कि नहीं करते? बताइए, मंत्री जी पे कौन कौन से मुकदमे लगे हैं? ऐसी सरकार देखी है जिसने, ऐसे मुख्यमंत्री जिसने अपने ही मुकदमे हटाए हो?
और उप मुख्यमंत्री जिन्होंने अपने ही मुकदमे अठाए हो, ऐसे कहीं पे हुआ है किसी भी प्रदेश में जहां पे ऐसी संगीन धाराएं लगी हैं और वो मुख्यमंत्री बनने के बाद, उप मंत्री बनने के बाद अपने ही धाराएं और अपने ही मुकदमे हटाए हो? तो जो लोग दूसरों को, दूसरों पे इल्जाम लगाते हैं, वो पहले अपने गरिबान में झांक के देख ले कि उनके क्या हाल है। जनता, जनता, नौजवान, माताएं बहने ऐसी सरकार बनाने जा रहे हैं जो नौकरियां देने वाली है हमारे युवाओं को, जो महिला सुरक्षा पे काम करेंगी। जो गलत फहमी ये लोग फैला रहे हैं महिला सुरक्षा के नाम पे, मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि 2000 के जो आंकड़े थे एनसीआरबी के, उसमें महिलाओं के साथ जघन्य अपराध कम हुए थे। और इन 5 सालों में जो आंकड़े आए हैं वह आंकड़े बहुत ही दर्दनाक हैं। हम जानते हैं कैसी कैसी घटनाएं आज महिलाओं के संग हो रही हैं, और बगैर इसके कि इन महिलाओं का साथ दिया जाए, उनके परिवार वालों को प्रताड़ित किया जाता है। क्या हाथरस की जनता घटना भूल जाएंगे? क्या हम लोग, क्या जनता हाथरस की बेटी को भूल जाएगी? हम जानते नहीं है कैसे उसको जला दिया गया था रात को, और उसको उस अंतिम संस्कार जो एक हिंदू का धर्म है, एक अधिकार है, उसको भी वो नहीं करने दिया गया था। और उनके परिवार वाले को जो प्रताड़ना दी गई थी, जनता ने सब देखा है। और वही उन्नाव की बेटी के साथ जो हुआ था वो भी जनता नहीं भूलेगी। उसके पिताजी को पुलिस वालों ने जेल में डाल के मार मार के उसको मार डाला, इतना पीटा कि वह बच नहीं पाए। तो मैं समझती हूँ जनता तैयार है ऐसी सरकार हटाने के लिए जो जुल्म करती है, जो सितम करती है, जो जातिवाद फैलाती है। क्या आप सब लोग तैयार हैं? चुनाव का समय है और ऐसे में जनसभाएं होंगी, दावे वादे होंगे, प्रचार प्रसार होंगे, जुबानी वार पलटवार भी होंगे। और ऐसी हर एक अपडेट के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।